का बैनर आदित्य हीरो होंडा वर्कशॉप, और ये रहा स्कूटर, सेकेंड हैंड स्कूटर है इसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार, मैं अशीत कुमार आपके अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो यार आज मैं एक बहुत ही सुंदर चीज लेने जा रहा हूँ, और उस सुंदर चीज को और ही सुंदर बनाने के लिए आज मैं जाने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले मैं बता दूँ कि आजकल खेती का जमाना है भाई, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। तो यार मैं एक छोटा सा मिनी पावर वीडर, मिनी कल्टिवेटर या तो मिनी पावर टीलर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं खुद अपने दिमाग से बनाऊंगा। तो यार एक स्कूटर उसके लिए मुझे पहले बात जरूरी है। तो एक मेरा दोस्त है, उसका नाम आदित्य है, हुलास है, तो उसके पास वो स्कूटर है। तो मैं पहले जाऊंगा, उस स्कूटर को लूंगा और उस स्कूटर का इंजन मैं उस मिनी पावर वीडर में फिट करूंगा। उसके बाद मैं हल जोतने वाला एक मशीन बनाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली सा यहाँ से निकलता हूँ, सीधा मैं तिलैया और अपने दोस्त के शॉप पे जाता हूँ। तो यार फाइनली अभी हम उस दुकान पे आ चुके, देख सकते हैं ये है, और ये रहा इसका बैनर आदित्य हीरो होंडा वर्कशॉप, और ये रहा स्कूटर, सेकेंड हैंड स्कूटर है, इसको ले जाना है और इसी को बनाना है, ठीक है। और ये रहा दुकान का फेस, और वो रहा हुलास भैया। हुलास भैया हमारे दोस्त है, और ये यही हमारा मतलब गाड़ी को ढूंढवा दिए हैं, और ये संदीप। तो फिलहाल यहाँ से गाड़ी उड़ी लेते हैं, और थोड़ा एक और जो सारा चीज मतलब इंजन का, ये जो देखिए ये स्टेयरिंग हो गया, खुल गया है, और ये रहा इंजन, और पूरा जो जो चीज़ है आगे का चक्का पीछे का चक्का सारा चीज़ निकालने के बाद अभी जाएंगे और इसको अभी और सारा काम करें शॉप पे, वेल्डिंग करता है, उसके बाद बनाता है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। यार आप ये जो देख रहे हो, ये 3 दिन का मेहनत है, मतलब इसमें आप ये चैनल मतलब हम लोग का जो फ्रेम बना वो 1 दिन में बन गया। उसके बाद 2 दिन हम लोग को लग गया इसका सामान वामान भी ढूंढने में, हमको लोग टाइम लग गया। और भाई ये सब जो एक्सल था, मतलब ये मेन चक्का लगने का जगह, ठीक है, जहाँ पे बैरिंग मेरा लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ चेन स्पॉकेट रहा, इसको ढूंढना पड़ रहा बुलेट का, और भाई इसको सेंटर कर करके भाई हम लोगों को बिल्कुल बारीकी से वेल्डिंग करना पड़ा। तो यार भाई आप लोग जितना आसान समझते हो इसको, वो इतना आसान है नहीं। ये मतलब अगले दिन का है, क्योंकि यार इसमें हम लोगों ने चक्का का ये जो रिम है, रिम का सेंटर करके इसका बीच का पॉइंट निकाले, उसके बाद यहाँ पे भाई चैनल सब वेल्डिंग किए, टंकी का ये जगह फिक्स किए, उसके बाद इंजन का जगह फिक्स किए, चेन लगाए, टोटल सारा काम किए यार। और इसमें लगभग हम लोग को 2 दिन और चला गया, और हैंडल लगभग लगा दिए और थोड़ा बहुत काम भी किए। उसके बाद मतलब मैकेनिक भैया को बुलाएं, और ये अपना कारीगरी जो भी मतलब वायरिंग था वो संभारे, सारा चीज़ लगाएं, क्लच तार, गियर तार और एक्सलेटर तार सारा चीज़ लगाएं भाई। उसके बाद फाइनली मेरा मतलब 5 से 6 दिन के बाद गाड़ी लगभग स्टार्ट होने के कंडीशन में आ गया, क्योंकि यार टंकी लगा दिए, इंजन लग गया, चक्का लग गया भाई, एक्सल लग गया, और उसके बाद मतलब देखिए उसके बाद सारा वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद भाई अब फाइनली किक मार के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इवन टू ये भाई जस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और काम करते हैं। तो यार लगभग सारा चीज़ बन के कम्प्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अब बस इसका हल लगाना बाकी है, इस चैनल का यहाँ पे हल। तो यार कुछ इस तरह के लगेगा, आप देख सकते हैं, और इसमें ये सब फिट होगा, तीनों फिट होगा, उसके बाद सारा चीज़ हो गया, और ये कुछ ऐसा करके
अभी लगभग शाम के 3 बज चुके हैं और मैं अपना मिनी ट्रैक्टर या तो मिनी पावर वीडर को ले आया, तो फिलहाल जाता हूँ खेत में और थोड़ा बहुत मतलब चला करके ट्राई करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बताता हूँ और क्या उसमें प्रॉब्लम है भाई वो चीज़ मैं सॉर्ट आउट करूँगा। इसीलिए मैं अभी जाके जोतूँगा, फिर अगर कुछ ऊपर नीचे करना पड़े या तो क्या करना पड़े सारा चीज़ मैं करूँगा, ठीक है। तो यार जोतने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला कि यार टायर ये ज़्यादा सेंटर में होती है, मतलब बीच में हो गया टायर को, थोड़ा सा मुझे और इंजन साइड मतलब टंकी की साइड और थोड़ा आगे करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा सटीक हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दाबना नहीं पड़ेगा, समझे भाई। तो वो चीज़ जाके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहा हूँ। जस्ट अभी हम लोग आए थे यहाँ पे जोतने के लिए और देखिए इतना सारा अभी मतलब खेत जोते हैं। एक ट्रेबल ये आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब ये जो मेरा टायर है टायर में ग्रिप नहीं, गोटी नहीं है, इसीलिए ये राउंड कर जा रहा है और बढ़िया से हो नहीं रहा है, क्योंकि यार इसके चक्कर में मतलब जब हल लगता है तो ये टायर राउंड करने लगता है। अब फिलहाल इतना तो जोत लिया, आपने देख लिया कैसा क्या जोताया है। इतना बड़ा खेत था, अभी लगभग 7-8 मिनट हुआ था जोत गया और वो रहा हमारा पे केजुअल, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स नहीं है कि मतलब कुछ मतलब इसी तरह जुतेगा, इसमें थोड़ा सा और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा केजुअल, केजुअल थोड़ा सा मतलब बीच में मेरा ये स्पेसिंग ज़्यादा हो गया तो ये पटक रहा है बीच में कि हाँ और क्या, इसमें और पट्टी देंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं इतना सारा ज़मीन मतलब इतना सारा जगह था जिसको हमने जोता, काफ़ी अच्छा मतलब ये है, कुछ खास भी मुझे नहीं लगा बट गोटी के कारण जैसे इस चक्का में ग्रिप नहीं है जिसके कारण से दिक्कत आ रहा है। देखिए ये पूरा प्ले हो गया है, तो प्ले होने के कारण मतलब ये चक्का राउंड कर जा रहा है, तो जहाँ तक मैंने सोचा था वहाँ तक तो मुझे सही लगा। फिलहाल इतना जोत दिया, अभी दूसरा चांस मैंने कर रहा हूँ बट मेन मेरा उस चक्का को लेकर गया है इसको थोड़ा, और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मैंने चेंज क्या किया था। पहले मैं जब बनाया था तो ये सापट जो है इसको मैं राउंड रखा था और राउंड रखने के बाद देखिए ये देख रहे हैं ये वाला लगा था उधर, बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने वो ये पाइप लगाया है, ये 1.5 इंची का पाइप है, इसके अंदर 1.25 इंची का पाइप है, 1.5 और 1.25 आपस में मतलब घुस जाते हैं, प्रवेश हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। फिलहाल तो मैं थोड़ा थक गया हूँ इसीलिए ब्रेक लिया हूँ, कुछ देर के बाद फिर से मैं जोतता हूँ और उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, कुछ और इसमें इम्प्रूव करूँगा तो वो चीज़ आपको टोटल इस वीडियो में मिलने वाला, ठीक है। तो फिलहाल बाय।